गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम 4 बजे अपना लंच करके वापस आ गए थे और उसके बाद 2 घंटे थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि 7 बजे ही नाइट लाइफ स्टार्ट होती है, सारे पब्स वगैरह ओपन होते हैं यहाँ पे काठमांडू में। तो सोच रहे हैं कि या तो सेनेट में जाएंगे या फिर दूसरा है टर्टल पब, तो दोनों में से किसी एक में जाएंगे। तो अभी मार्केट में जाते हैं, पहले प्लेसेस को विजिट कर लेते हैं, कैसा जो सही लगेगा उसमें जाके आज की नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में और उसके बाद आपको पब में मिलते हैं। गाइस 6:30 बज गए हैं, अब बाहर निकलने वाला था, फिर मुझे याद आया कि सुबह मैंने बताया था कि थामेल और काठमांडू का व्यू नाइट में यहाँ से बहुत प्यारा आता है, तो मैंने कहा चलो जाते जाते पहले एक बार दिखा देते हैं, फिर आने के बाद तो टाइम लगे ना लगे। यार ये कहाँ खड़ा है, गिर जाएगा तो, गिरेगा तो नहीं गिर, लेकिन वो पक्का है, मजबूत है, ये चला कैसे वहाँ। क्यों आए थे तो ये कल, ये जिसमें लग रहा था ये हमें वो ले लद्दाख आने के, लेकिन वापस आए थे इतना, यही तो थी वापस आए थे हम इस रोड, तब तक सब बंद हो गया। मैं कह देना था बेकरी की दुकान खुली थी, चलो खा के आते हैं लेके आते हैं, हाँ ये बंद हो गई। कौन सी वाली कौन सी, अच्छा ये ऊन से शशि कपूर हम डांस पर तो जाना ही नहीं था। अरे वो घुसा तो था, वो क्या नाम उसका, जैन जैन करके है, क्या नाम है उसका, यही कटे था ना हमारा ये मोड़ पे, वो पार्किंग का बोर्ड है, यहाँ पार्किंग मना है वाला, हाँ नो एंट्री का नहीं दिखाई, वो होगा कहीं बीच में छुपा हुआ, किसी ने दुकानों कपड़े लटका दिए उसके ऊपर, फर्जी पश्मीना होगा 500 रुपये में, तो इंडिया में ना मिले ये जो मेन मार्केट है ना, जैसे पोखरा में थी वो जो हम घूम रहे थे वो मेन मार्केट थी, वैसे यहाँ की ये मेन मार्केट है समीर की, लेकिन वहाँ और यहाँ में देख जमीन आसमान का फर्क है। अगर पब्लिकली देख लो चाहे, चाहे मतलब पब्लिकली देख लो चाहे रोड वाइज देख लो, वो कहाँ 4 लेन टाइप रोड थी और ये कहाँ गलियाँ, हाँ वैरायटी बहुत थी यार पोखरा में, वैरायटी बहुत थी, चाहे आपको कुछ खाने पीने का है वो अलग है ना, बार अलग हैं, प्रॉपर खाने वाले अलग हैं, पब अलग हैं, डांस बार अलग हैं और म्यूजिकल नाइट्स वाले अलग हैं, यहाँ पे सब भुजी भुजी रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना वो भूसे में से सुई निकालना, तो 2 सुई तो आज निकाल ली है, 2 कल निकाली थी, आज भी तो 2 ढूंढे हैं, उन दोनों में से देखते हैं कौन सा सही है। देखा भूसे के ढेर में सुई निकाली है। गाइस लिफ्ट में आ गए और टटल पब एंड बार्स में जा रहे हैं और यहाँ फर्स्ट कस्टमर हम ही हैं, तो देखते हैं क्या क्या है और आपको दिखाते हैं क्या नजारे यहाँ के। अभी तो गाने भी नहीं चल रहे, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ओ रे
गाइस टर्टल क्लब से बाहर आ गए हैं अभी, टाइम हो रहा है 10:15 और यहाँ से चलते हैं, देखते हैं डिनर वगैरह बढ़िया जगह मिल जाएगा, अभी तक तो मिली नहीं है। कल से गाइस रात के 11:30 बज गए हैं, अब हम वापस आ चुके हैं अपने होटल में और आज जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि यहाँ से गोरखपुर का डिस्टेंस लगभग 10 घंटे का है और हम आराम से जाएंगे तो 12 घंटे लग जाएंगे, तो सोच रहे हैं सुबह 6 या 7 बजे यहाँ से मूव कर जाएंगे। और अगर आपको आज का ब्लॉग यार दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।